नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा स्थानीय होटल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा श्रीराम टेकरी के प्रोजेक्ट को लेकर प्रेस वार्ता की गई। सरकार के नाम से जाना जाए जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट गुना का है, जो राम टेकरी हरिपुर, ये नहीं है कि कौन सी टेकरी के नाम से जाना जाएगा। आप सभी हम चाहते हैं कि टेकरी और राम टेकरी जो पर्यटन को भी बढ़ावा दे और धार्मिक आस्था का केंद्र भी बने। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पहले इसका होगा पहले उसकी, ये कोई श्रेय की लड़ाई नहीं है जी। ये तो धार्मिक आस्था की और टूरिज्म की बात है। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये टेकरी अपन इसको उपयोग करना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए हम। सर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा आप बता रहे हैं कि स्टेचू सबसे बड़ा राम जी का जो है गुना जिले में होगा, तो इसके लिए क्या आपकी आगे वो रहेगी प्रोग्रेस के किस तरह से उसे बनाया जाएगा खूबसूरती के साथ? तकरीबन निर्माण की ओर अग्रसर है जी, और 1,26,00,000 रुपए का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा जो बहुत गहराई में जाएगा, करीब 25 फीट नीचे जाकर, जिससे कि मूर्ति किसी हवा में आंधी में तूफान में उसको डैमेज ना हो और एक बहुत सुंदर बनेगा और उसका निर्माण प्रक्रिया में है। पंचवटी भी देखा गया एनिमेशन में, पंचवटी बताई गई है। इसमें हमने अकेला पहाड़ी नहीं, जो नीचे का स्थल है जी, उस नीचे के स्थल को पूरा हाट बाजार में डेवलप किया जाएगा और जो साइडों के हमारे जो पहाड़ियाँ हैं उसमें राम वाटिकाओं का हम पूरा प्लांटेशन कराएंगे बहुत अद्भुत ढंग से। राम टेकरी कब तक साकार ले लेंगे? राम टेकरी के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट टाइम पीरियड है वो करीब 3 साल का। गुना धार्मिक नगरी के तौर में विकसित कर रहा है, धार्मिक के साथ साथ टूरिज्म, क्योंकि हमारे गुना में एक सबसे बड़ी चीज़ है जब टेकरी का मेला लगता है तो आप देखते हैं हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो राम टेकरी भी एक अन्य स्पॉट भी बनेगा और एक दूसरे से मिले हुए हैं लोगों का टेकरी और हनुमान टेकरी और राम टेकरी। टूरिज्म मिनिस्ट्री को इससे लिंकअप किया जाएगा आगे? वो धीरे धीरे सब करेंगे, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अपनी गुना की जनता, उनका सहभागिता होनी चाहिए, बाकी सरकारी मशीनरी को अपन करी लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है और कोई गलती हुई हो तो मैंने क्षमा करना था। मैं बता रहा हूँ रोप वे का भी, रोप वे भी आपने कहा पुरानी जो टेकरी है उसके बाद रोप वे भी हम इसमें मना रहे हैं और रोप वे वालों से कल मेरी मीटिंग भी हो गई है। करीब उनका 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो पीपीपी मोड पे लागू करेंगे और कुछ जो हमारे स्तर का होगा वो हम पूरा करेंगे, बाकी पीपीपी।
न्यूज़।